दोस्तों जहां 2020 में यस बैंक 11,000 करोड़ के कर्ज में डूब चुका था, वही HDFC बैंक ने आखिर ऐसा क्या कर दिया जो आज यह ICICI बैंक और एक्सिस बैंक को पीछे छोड़कर इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर बैंक बन गई है। इसके पीछे मेनली टू रीजन है। जब 1994 में HDFC स्टार्ट हुआ तो नया बैंक होने के कारण ज्यादातर लोग इस पर भरोसा नहीं करते थे, लेकिन HDFC ने वो किया जो दूसरे बैंक ने इग्नोर कर दिया। पहले पैसे ट्रांसफर करना और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की सिस्टम काफी कॉम्प्लेक्स थी जिसमें कई दिन लगते थे, लेकिन HDFC ने टेक्नोलॉजी का यूज करके इसे काफी सिंपल कर दिया। दूसरे बैंक ने बड़ी बड़ी कंपनीज को लोन दिया क्योंकि इसमें से ज्यादा प्रॉफिट आता है, लेकिन उनमें से काफी कंपनीज डूब गई और उनका पैसा कभी भी वापस नहीं आया। लेकिन HDFC ने बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं बल्कि छोटे छोटे रिटेलर को लोन देने पर फोकस कर दिया। इसी कारण से HDFC आज इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर बैंक बन गई है। तो दोस्तों आपको HDFC की बिजनेस स्ट्रेटेजी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।